हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीट सिस्टर्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और आज जन्माष्टमी है तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। अभी हम लोग आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मम्मा माधव जी को ऐसे नहला रही हैं उनके पाउडर से, शाम को वो नहलाएंगी। पंचामित्र स्नान से करेंगी मम्मा, फिर पंचामित्र। राधे राधे गाइस, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। देखिए गाइस, अभी लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं और रात को इनको और अच्छे से करेंगे। अभी प्लेन से नहा रहे हैं, प्लेन पानी से। और आज माही परी ने भी ऐसे सोचा है व्रत लेने के लिए, पहले भी लिया हुआ है इन्होंने, सोचा नहीं है हम लेंगे। और परी के लिए खाना भी रखा हुआ है, भूख लगेगी तो खा भी सकती है। खाओगी परी? नहीं, अपना जुगाड़ वैसे करवा लिया है फ्रेंड्स। तो अभी मम्मा शंख के पानी से माधव जी को नहला रही हैं। अभी मम्मा ने माधव जी को पाउडर से नहलाया था, अब यंग पाउडर से, और अब मम्मा शंख के सादे पानी से नहला रही हैं माधव जी को। दीदी यहाँ पे सारे बेड का काम कर रही हैं। अभी दीदी ने चादर भी बिछा दी है, माधव जी के लिए फूल भी आए हैं। अभी पापा जो है नारियल को कोर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा जी की एक और डिश है फेवरेट, जो है नारियल के लड्डू। दोस्तों, और आज है जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पापा ने राधे राधे वाली ये शर्ट भी पहनी जो मम्मा वृंदावन से लेकर आई थी। देखिए मम्मा पापा के लिए ऑफिस के लिए दे रही हैं मखाने बादाम, बन रही मम्मा भी, उसके बाद मम्मा पापा को ऑफिस के लिए देंगे। मैंने यहाँ पे आलू और अरबी रख रखे हैं। मम्मा इनका क्या करने वाले हो? अरबी तो राधा रानी के लिए बन रही है, राधा रानी की फेवरेट है अरबी। और आलू बस वही आलू, ये दो राधा रानी घर पे भी तो हैं, उनके लिए बन रहे हैं। तो अभी हम लोग आलू खाने वाले हैं यहाँ पे। मम्मा इसमें क्या है? ये खीर बनाऊंगी बेटा बाद में। अच्छा, मम्मा खीर की तैयारी कर रही है और साथ ही पापा यहाँ पे नारियल पापा ने कोर दिया। मम्मा आप इसके लड्डू कब बनाओगे? गाइस भूख सारा मैं पहले ही बना दूंगी। और हम लोगों ने भी सुबह से सिर्फ बनाना शेक और मखान जो मम्मा पापा के लिए टिफिन में पैक कर रही थी वही खाए हैं। और परी को तो अभी थोड़ी सी भूख और लग रही, तो उसने चिप्स भी अपने लिए मंगवा लिए और अब वो खाएगी आलू के चिप्स जो मम्मा बनाएंगी सेंधा नमक में। और ये देखिए माधव जी को सुबह सुबह कितने अच्छे से रेडी कर दिया है। हाँ, तो मैं तो रेडी हो गई ना, आज मेरा बर्थडे जो है, अब रात को देखना कितना प्यारा सब कुछ होगा, व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे टेबल जो है माधव जी की, उसको पहले साफ करके और अब मंदिर सजाना शुरू करेंगे माधव जी के लिए। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाएंगे। हमारा मंदिर अच्छे से सज के रेडी हो चुका है। ये है झूला जो मम्मा ने आपको कल के व्लॉग में बताया था, मम्मा ये हैंडमेड बना रही हैं और इसको फूलों की लड़ी से सजा दिया है। और यहाँ पे पापा कल लड़ी ले आए थे तो वो भी हमने लगा दी है। यहाँ पे देखिए मम्मा बना रही है आलू का हलवा, ये मम्मा छप्पन भोग के लिए बना रही है। और यहाँ पे पजी को फिर से भूख लग गई तो इसलिए मैं बना रही हूँ चाय। और अभी हमारे आलू के चिप्स भी बनेंगे और ये आलू और अरबी भी है जो छप्पन भूख के लिए। खीर बनके रेडी हो चुकी है मखानों के साथ। मैंने आपसे बोला था कि मैं मेरे इंतजाम करवाया है, तो मैंने पापा से पहले से अपने चिप्स मंगवा लिए थे और अब वही मैं खाऊंगी चाय के साथ। यहाँ पे देखिए अभी नारियल के लड्डू की प्रिपरेशंस चल रही हैं। अभी नारियल जो नारियल हमने कोरा था उसको रखा हुआ है गैस पे थोड़ा गर्म करने के लिए। और अभी थोड़ी देर मेरी ट्यूशन भी है तो उसकी मैं अपनी तैयारी करूँगी। मम्मा बना रही हैं नारियल के लड्डू, दीदी बना रही हैं बेसन का केक, दीदी हेल्प कर रही हैं मम्मा की। और यहाँ पे देखिए मम्मा ने पुए का बैटर भी बना दिया है। मम्मा ने केक बना के रेडी कर दिया बेसन का केक और इसमें बीच में लिखा हुआ है एम माधव, मुझे अच्छे से गार्निशिंग वगैरह करी है। अभी इसको फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए जा रही है मम्मा। अभी छप्पन भोग ले मम्मा, आलू के भी दो तीन आइटम बना रहे हैं थोड़े थोड़े, आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बना रही है मम्मा। मम्मा आप क्या बना रहे हो? आप
अब मैं बना रही हूँ पुए। ये गाइस पुए परी की दादी की रेसिपी है। पहले मैं सिर्फ करवा चौथ की बनाती थी, इस बार हम जन्माष्टमी पे भी बना रहे हैं। बहुत स्वाद होते हैं गाइस। जब भी मैं पुए बनाती हूँ उनकी दादी को याद करते हुए ही बनाती हूँ। हमेशा वही बनाते थे करवा चौथ का हमारे। तो यहाँ पे देखिए अभी मम्मा रेडी हो रही है अपनी रील बनाने के लिए। मम्मी ने साड़ी पहन ली है और पापा यहाँ पे बलून्स फुला रहे हैं माधव जी के लिए। माधव जी के पास लगाएंगे बलून्स। साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई बाहर माधो, अंगना में आई बाहर माधो। ये देखिए मम्मा ने सारा लिस्ट बना रखी है अपने छप्पन भोग की। मम्मी ने सारे छप्पन भोग बना दिए हैं। यहाँ देखिए दही हांडी सजी हुई है। पापा और परी बाहर कुछ सामान लेने गए थे तब का ये व्यू है। यहाँ पे बाहर मंदिर देखिए कितने अच्छे से सजे हुए हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, पूरी लाइटनिंग हो रखी है मंदिर में। देखिए इसके बिना पूजा अधूरी है। तो ये है पान। अभी हम लोग पूजा करने बैठे हैं और यहाँ पे राधे राधे लिखवा रहे हैं मम्मा से। अभी मम्मा ये साँचा लेकर आई थी वृंदावन से। पापा के भी लिखा है राधे राधे, वृंदावन की फील आ रही है। परी ने भी लगा रखा है। ये अभी जन्माष्टमी पे रात के टाइम पे वर्धन और गौरी दोनों आए हैं। ये देखो हेलो, ये देखिए गौरी ने भी सेम लहंगा पहना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अभी गौरी और वर्धन आए तो बातें वगैरह हो रही हैं, वृंदावन की बातें हो रही हैं। चलो कोई फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे हैं विश्वान की दुलारी। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराई। यहाँ पे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तो अभी गौरी और वर्धन दोनों जा रहे हैं। बाय राधे राधे, बाय राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। और इस पे गाना बजाया था, परी 2 मिनट की लूटी उसके बाद आके सो गई। वर्धन को उसका गाना सुनना था, परी पिछली बार भी नहीं मिल पाई थी। पिछली बार परी अपना पता नहीं क्या काम कर रही थी इसलिए नहीं मिल पाई थी। 11 हो चुके हैं तो ना कुछ खाया तो जाता ही नहीं, पर भोग के लिए तो बनाना है मीठा चीला। एक आइटम ये भी होगा। अभी आपको टेबल पे जब सारा भोग लग जाएगा तब दिखाएंगे पूरे 56 भोग। ये देखिए अभी 12 बजने वाले हैं और शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम लोग 12 बज गए हैं तो इसलिए अभी जो ये डोंगा दिख रहा है आपको इसमें से हम लड्डू गोपाल जी का जन्म करेंगे, खीरे से उनको बाहर निकालेंगे। और वैसे तो ये हम पहली बार कर रहे हैं, व्रत हम हमेशा लिया करते थे पर ये सब चीज़ हम पहली बार कर रहे हैं। तो अभी आप देखते रहिए, निकालेंगे जब उनको तो आपको दिखाएँगे। तो अभी हम लोग ये खीरे से माधव जी का जन्म करेंगे। सबसे पहले सारे खीरों को जो है हम निकाल रहे हैं और ये देखिए आ गए माधव जी। और अब हम 1 रुपये के सिक्के से जो खीरा है इसको ऐसे कट करेंगे। ये अभी तो कट ही नहीं रहा था और फिर अब ये कट चुका है। हाथी घोड़ा पालकी
जय कन्हैया लाल की। माधव आए हैं, माधव आए हैं, वृंदावन से हमारे माधव आए हैं। वेलकम माधव। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो ये है पंचमृत जो आप देख रहे हो ग्लास में, ये पंचमृत है जो मम्मा ने घर पे बनाया है, एकदम फ्रेश बनाया मम्मा ने अभी थोड़ी देर पहले। उससे अच्छे से नहला रहे हैं माधव जी को, मसाज अच्छे से दे रहे हैं माधव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर से डाल रही मम्मा पंचमृत। ओम नमो पापा नहला रहे हैं। अभी यहाँ पे परी माधव जी की अच्छे से मसाज कर रही है, उनको नहला रही है। ये माही नहला रही है। और अभी ये शंख के जल से मम्मा और पापा नहला रहे हैं माधव जी को। तेरा किसने किया श्रृंगार, यहाँ पे इतर से मसाज हो रही है, इतर लगा रही है क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इतर बहुत पसंद है। जय सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ये माधव जी की नई पोशाक जो भी माधव जी पहनने वाले हैं मोर वाली, हमने डायरेक्ट आज ही आपको दिखाना था तो अभी आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए मोर वाली ये पोशाक पहन के माधव जी एकदम रेडी हैं। पीछे से देखिए पूरा माला भी मैंने खुद बनाई है। पहले आप ये सब देख लीजिए, ये माला मम्मा ने खुद ही बनाई है। देखिए जो मम्मा ने झूला बनाया था हैंडमेड दिखाई, उसमें अभी रख दिया माधव जी को और भी झूला झुलाएंगे गाइज। अभी क्योंकि थोड़ा मैंने हाथ से ही बनाया है ना तो अब आराम आराम से झुलाएंगे इनको। यहाँ छोटे लल्ला और यहाँ पे परी भी लगी हुई है। परी आई है महाराज जी को झूला झुलाने के लिए। अभी देखो पापा झुला रहे हैं माधव जी को झूला। और अभी माधव जी एकदम अच्छे से मोर की पोशाक पहन के पूरा रेडी हो चुके हैं, उनका श्रृंगार हो गया है पूरा अच्छे से। और अब हम लोग कर रहे हैं आरती, तो अभी आरती कर लेते हैं उसके बाद आपसे मिलेंगे। मोर की पोशाक पहन के इसलिए बहुत खुश लग रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मोर की पोशाक आई है बरसाने से, राधा रानी के यहाँ से आई है मोर की पोशाक। ये देखिए पूरी हमारी जो टेबल अच्छे से छप्पन भोग से सज चुकी है। यहाँ पे हैं सारे फ्रूट्स, ये है पंचमृत लस्सी, और ये देखो ये है माधव जी का केक, ये मीठा चीला पूड़ी, और यहाँ पे देखिए खीर, अरबी और आलू की सब्जी, खिचड़ी, मिक्स वेज, पंजीरी, आलू का ये हलवा। मम्मी ने आज बहुत मेहनत करके ये सब चीज बनाई है। इसके अंदर पूड़ी है और ये है नारियल के लड्डू और ये है घी की बर्फी। ये गाइस ये मैंने हाथ पे, ये मैंने घर पे बनाया है और एक पीस बाहर से लाए हैं और वो दिखाएं बेटा तुम जलेबी। और ये जलेबी और घेवर, ये सब खोल के दिखाने। और ये है पंचमेवा, ये है आटे का हलवा और आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज, ये पुए, ये माधव जी की फेवरेट माखन मिश्री, माखन मम्मा ने घर पे बनाया है। ये मैं हमेशा ही घर पे बनाती हूँ फ्रेंड्स, छा करती हूँ ना, थोड़ा बहुत मेरा भी सपोर्ट है, थोड़ा बहुत है। इनका ये है कि दूध यही लेकर आते हैं, मैं नहीं लेने जाती, हर 10-15 दिन में थोड़ा थोड़ा बना के स्टोर कर लेती हूँ, फ्रिजर में रख देती हूँ, खराब नहीं होगा। और ये है यहाँ पे आ गया पान, इसमें बूंदी का रायता भी आ गया है। ये देखिए पूरा 56 भोग अब लग चुके हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक शिकंजी रह गई है। यहाँ पे अब शिकंजी भी आ चुकी है और हमारे 56 भोग पूरे हो चुके हैं, हमारी टेबल देख सकते हो आप। देखो माधव जी का हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं यहाँ घर में बनाया हुआ उनकी मम्मी के हाथ से केक, बेसन का केक, बेसन का केक।
ये देखिए माता जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माधव, हैप्पी बर्थडे टू। ये देखिए अभी हम लोग सब खोल रहे हैं अपना व्रत और मम्मा भी केक से स्टार्ट कर रही हैं। ये रहा केक, कैसा बना है मम्मा बताना, लजीज। और अभी हम अपना खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, अपना व्रत खोल लेते हैं पहले। अभी आप लोग पहले देख लीजिए, हमने जो माधव जी का ट्रायल करा था इस ड्रेस के साथ। माधव कैसे लग रहे हैं? ये इनका ट्रायल चल रहा है, आज थोड़ा ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब सब चीज़ ना ट्राई करवा रहे हैं इनको। मोर पंख वाली ड्रेस देखिए कितनी प्यारी लग रही है। जन्माष्टमी की प्रिपरेशन चल रही है। अभी हम लोगों ने अपना व्रत भी खोल लिया, जो 56 भोग माधव जी के लिए हमने बनाए थे वो सब भी हमने खा लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे और आपको दिखाया भी था। तो चलिए आज का जन्माष्टमी व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। होप आपको इस व्लॉग में मज़ा आएगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक की वॉचिंग स्वीट सिस्टर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।